अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना है तो मैं हमेशा ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर प्रेफर करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सस्ते नहीं होते, तो जांच कर देख कर टटोलता हूँ, तब सेटिस्फेक्शन मिलता है। वरना ऑनलाइन में तो बस फोटो देखो, बस कभी कलर अलग आ जाता है, कभी मॉडल अलग आ जाता है, तो कभी कभी सामान ही अलग आ जाता है। और अगर मुमरा में इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बेस्ट शोरूम है तो सिर्फ और सिर्फ कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम में लगभग हर ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलेंगे। याद रखे, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक का नया शोरूम अब कौसा कब्रिस्तान दोस्त अपार्टमेंट के पास नहीं, ओल्ड नशेमन कॉलोनी में है। सबसे बड़ी बात, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक में बाय वन प्रोडक्ट एंड गेट वन अशोर्ड फ्री गिफ्ट का ऑफर चल रहा है। एक बार जरूर कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक विजिट करिए, ओल्ड नशेमन कॉलोनी, डॉक्टर ददन के पास, मुमरा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले एनसीपी पार्टी के विधायक जितेंद्र रावत ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है। जितेंद्र रावत ने कहा है कि वह इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कई कांड है जिसमें अयोध्या कांड भी है। इसमें श्लोक नंबर 102 है जिसमें इसका जिक्र है। जितेंद्र रावत ने कहा है कि मैं बिना सर्च किए कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं मुद्दे को तूल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुँची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। देखो, मैं उस भूमिका के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने कोई खुद की भूमिका घर से नहीं लाई थी। ये वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, ये जो ऑथेंटिक वर्जन ऑफ रामायण लिखा है 1891 की किताब है, कलकत्ता में प्रिंट हुई है। कुछ IIT कानपुर ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है और ये सब मैं जनता के सामने आपके माध्यम से रख रहा हूँ। ये तो मैंने नहीं किया है। 1891 में जो लिखा वो वाल्मीकि रामायण का कथन किया है, वो तो मैंने नहीं किया। कुछ लोग सही धारे, वाल्मीकि रामायण में 6 स्कंद है, कांड है, बालाकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। इसमें का जो अयोध्या कांड है उसका 52वां सर्ग जो है उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए, सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। पर फिर भी लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है। लड़कियां उठाने लेने जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। आप कायम है इस ध्यान के ऊपर? मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इससे का मतलब क्या होता है? मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आपको भी पढ़ने के लिए देता हूँ, शाम को पढ़ के बताइए मुझे इसमें क्या है और ये मैंने लिखा है क्या। राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, सारे देश में राम लला की लहर है, क्या कहते हैं इस वक्त ये बयान करना गलत नहीं था? ऐसा है कि भावनाओं के आशय पे मैं बात करूं तो अलग बात है, अगर विषय के अभ्यास के ऊपर मैं बात करूं तो अलग बात है। लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है, इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मैं किसी के ही भावनाओं को ठेच नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। आपके खिलाफ महाराष्ट्र, अरे मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ अमेरिका में, अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज करो, मैं केसेस से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ, एक जबान का आदमी हूँ और मैं बोलता हूँ वो अभ्यास करके, मैं बोलता हूँ अभ्यास करके बोलता हूँ, बेमतलब बात नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है।